बीएसएनएल स्कूल की उस लड़की की तरह है जिसको पूरे स्कूल टाइम पर कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन स्कूल के बाद भाई सबके दिमाग उड़ जाते हैं उसको देखकर। ऐसा ही कुछ हो चुका है जियो और एयरटेल और वी के प्राइस हाइक के बाद सब लोग जो है बीएसएनएल करने लगे हैं, और लोग तो पोर्ट भी करा चुके हैं बीएसएनएल में। सोच रहे कि भाई पोर्ट करा ले क्योंकि प्लान ही इतने सस्ते, अब कितने सस्ते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और यार इतने सस्ते प्लान देखकर पागल मत हो जाना कि भाई हम तो अभी पोर्ट करा लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे नुकसान है बीएसएनएल में पोर्ट कराने के। आप जो है इंटरनेट तक यूज नहीं कर पाओगे, बोलोगे मैं कहां फंस गया, किस बेवकूफ की मैंने वीडियो देख ली थी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि वो चीज भी बताऊंगा कि आपको पोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए बीएसएनएल में और क्या कंडीशन चेक करनी चाहिए आपको बीएसएनएल में पोर्ट करने से पहले। लेकिन भाई इस वीडियो को बनाने में इतना दिमाग की ऐसी की तैसी हो गई क्योंकि भाई सरकारी कंपनी है, इतनी आसानी से काम तो करने देगी नहीं, क्योंकि इन्होंने बीएसएनएल के जो प्लान्स हैं इनकी वेबसाइट पर कुछ दे रखे, एप्लीकेशन पर कुछ अलग दे रखे तो कभी कुछ कंडीशंस दे रखे। इतने डिफिकल्ट इन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखे, इतनी कंफ्यूजिंग इन्होंने टेबल बना रखे, इतना सब कुछ कंफ्यूजन कर रखा है। अगर आप लोग डायरेक्टली जाओगे प्लान्स देखने भाई कंफ्यूज हो जाओगे किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है क्या है। और इतने सारे प्लान्स तो इन्होंने डुप्लीकेट कर रखे सेम बेनिफिट्स के साथ, और कुछ जो है प्लान्स ऐसे है कि लोगों को लगता है कि भाई 70 डेज की वैलिडिटी 197 रुपए, भाई पागल बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेवकूफ बनाने की स्कीम है। और उसको देखकर लोग काफी ज्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहा है बीएसएनएल में पोर्ट कराने के लिए, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ, देखो इनका जो 197 रुपीज वाला प्लान है ना, इसमें 70 डेज की वैलिडिटी मिलेगी। ये इंस्टाग्राम पर इतना वायरल हो रहा है, शॉर्ट्स में इतना वायरल हो रहा है, लोग जो है ना इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं शेयर करते हैं, इतनी मिसलीडिंग करते हैं और लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि 197 रुपीज में आपको 70 डेज की वैलिडिटी मिल रही है, 2 GB डेटा पर डे मिल रहा है, तो भाई ये बेवकूफ बनाने की स्कीम है। क्योंकि ये सिर्फ एक वैलिडिटी वाला प्लान है जिसमें 70 डेज का आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, आपका प्लान एक्टिव रहेगा और इसके बाद आपका सिम भी एक्टिवेटेड रहेगा। लेकिन इसमें जो बेनिफिट मिल रहा है ना, अनलिमिटेड कॉल और ये 2 GB पर डे डेटा, ये सब आपको सिर्फ 15 दिन के लिए मिलेंगे। मतलब 70 डेज की वैलिडिटी है लेकिन स्टार्टिंग के 15 दिन तक आपको 2 GB पर डे मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल मिलेगी, इसके बाद सिर्फ आपका नॉर्मल प्लान चलता रहेगा। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की स्कीम है। इसके अलावा बीएसएनएल ने अपने काफ़ी सारे प्लान्स बना रखे हैं और 184, 185, 186, 187 इतने सारे प्लान्स बना दिए, सभी में सेम बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो सारे प्लान जितने भी है जो डुप्लीकेट है या फिर कंफ्यूजिंग है या फिर जिसमें बेनिफिट्स बहुत बेकार मिलता है, वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। जो बेस्ट प्लान्स है मैंने पूरी रिसर्च करी है, डीप रिसर्च करी है, एल्गोरिदम लगा दिया यहाँ पर, लोगेरिदम लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, डिफ्रेंशिएशन लगा दिया, उसके बाद हमने सिर्फ बेस्ट प्लान्स उठाए हैं जिनको आप रिचार्ज करा सकते हो और जिन प्लान्स को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि बीएसएनएल में पोर्ट करना है या फिर जियो के बेटर है प्लान या फिर एयरटेल के बेटर है प्लान। तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाऊं तो सबसे पहला प्लान जो है ना, सबसे छोटा प्लान आपको पता है एयरटेल जियो में कितना, भाई 100 रुपए से नीचे तो आपको प्लान ही नहीं मिलते। तो यहाँ पर 18 रुपए से आप इंटरनेट यूज करना शुरू कर सकते हो, अनलिमिटेड कॉल भी कर सकते हो। मान लो भाई आपने बीएसएनएल का सिम डाल रखा है, उसमें रिचार्ज नहीं कराते, आज मन करा कि भाई इसमें रिचार्ज करके अनलिमिटेड कॉल कर लेता हूँ या फिर इंटरनेट यूज कर लेता हूँ किसी भी वजह से, तो आप 18 रुपए का रिचार्ज करा सकते हो। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिल जाएगी, साथ में 1 GB पर डे डेटा मिल जाएगा, 2 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। मैंने यहाँ पर डे कॉस्ट भी निकाल रखी है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा प्लान ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसके बाद देखो 59 रुपीज का प्लान है, इसमें 7 डेज की वैलिडिटी मिलेगी। 87 रुपीज का प्लान है, इसमें 14 डेज की वैलिडिटी मिलेगी। और ये जो 1 GB पर डे, 2 GB पर डे, 3 GB पर डे है ना, ये ना आपको जियो की तरह मिलता है, मतलब आपको जो है ना इतना GB पर डे हाई स्पीड डेटा मिलेगा। और इसके बाद जो है आपकी स्पीड 40 KBPS पर रिड्यूस हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा स्लो होती है। पता है ना जियो का जब डेटा खत्म हो जाए कितना स्लो हो जाता है, 2G से भी कम स्पीड आपको मिलती है। तो वैसे ही कुछ है, मतलब वैसे कहने को अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा लेकिन हाई स्पीड सिर्फ आपको उतना ही मिलेगा जितना डेटा इन्होंने दिखा रखा है, चाहे वो 2 GB पर डे हो, 1 GB पर डे हो या फिर पूरी वैलिडिटी के साथ आपको एक साथ डेटा मिल रहा हो। अब देखो मैं सीधा आपको 1 महीने वाले प्लान पर लेकर चलता हूँ जो कि शुरू होता है 108 रुपए। भाई 108 रुपए में आपको 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है और डेटा भी आपको 1 GB पर डे मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई, अगर आपको नॉर्मल यूज है ना, इंस्टाग्राम पर वीडियोस वगैरह, रील्स वगैरह थोड़ी देख लेते हो या फिर चैटिंग कर लेते हो, व्हाट्सअप यूज कर लेते हो, कभी यार थोड़ी बहुत वीडियोस देख लेते हो यूट्यूब पर, तो आपका 1 GB पर डे बहुत होता है यार। और 1 GB पर डे के साथ मतलब जो घर में होते हैं ना मम्मी पापा वगैरह, इनका इंटरनेट का यूजेस कम होता है, कुछ का भाई कुछ हैवी होता है, उनको थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस में रखता है, तो उनके हिसाब से 1 GB पर डे के साथ 108 रुपए में आपको 28 डेज की वैलिडिटी मिल रही है और अनलिमिटेड कॉल्स मिल रही है। पर डे कॉस्ट भी देखेंगे 3.86 रुपीज बैटरी है। इसके अलावा अगर आपको इकट्ठा डेटा चाहिए कि भाई पूरे महीने एक साथ दे दो डेटा हमारा, तो आप
118 का रिचार्ज करा सकते हो 20 डेज की वैलिडिटी के साथ, 10 GB डेटा मिल जाएगा। इसके बाद भाई अगर आपका डेटा कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा है ना, तो 1.5 GB पर डे आपको सिर्फ 139 रुपीज में पड़ रहा है 28 डेज के लिए। 2 GB पर डे भाई, 2 GB पर डे काफ़ी होता है आराम से भाई। जो जेन जी है उनका काम आराम से हो जाएगा 2 GB पर डे में 199 रुपये में। 199 में आपको 2 GB पर डे पूरे एक महीने के लिए मिल रहा है, 28 दिन नहीं 30 दिन मिल रहा है पूरे। इसके अलावा अगर आपको 2 GB पर डे में और प्लान्स दिखाऊँ ना, तो आपको 347 रुपीज में 54 डेज की वैलिडिटी मिल रही है। ये प्लान भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आपको 399 रुपीज में 70 डेज की वैलिडिटी के साथ 1 GB पर डे डेटा मिल रहा है। इसके अलावा 499, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्लान है, इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल के साथ 2 GB पर डे मिलेगा, साथ में 3 GB आपको एड ऑन डेटा मिलेगा और इसकी वैलिडिटी 75 डेज की है। भाई क्रेजी प्लान्स है, पर डे कॉस्ट भी इनकी काफी कम बैटरी है। और अगर आपका डेटा कंजप्शन ज्यादा है ना भाई, 3 GB पर डे ले लो, 3 GB पर डे कितना सस्ता मिल रहा है, 599 में आपको 84 डेज की वैलिडिटी मिल रही है। और भाई 666 रुपीज में देख रहो, 2 GB पर डे के साथ 3 GB एड ऑन डेटा मिल रहा है, वैलिडिटी 105 दिन मिल रही है, कोई 3 महीना नहीं, 3 महीने से भी ज्यादा आपको वैलिडिटी मिल रही है। और इसके अलावा 160 डेज की वैलिडिटी के साथ 2 GB पर डे आपको 997 रुपीज, 1000 रुपीज़ के अंडर आपको प्लान मिल रहा है, जिसमें आपको लगभग 6 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। लगभग 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये प्लान मिल रहा है, वो भी 2 GB पर डे। और क्या चाहिए, इतने में ना आपको सिर्फ 3 महीने के प्लान मिल रहा है एयरटेल और जियो में। इसके अलावा यहाँ पर 199 में आपको इकट्ठा डेटा मिल जाएगा 600 GB 365 डेज के साथ। बाकी अगर आपको 2 GB पर डे चाहिए इनका, तो 2399 रुपीज़ में आपको ये प्लान बैठ जाता है, जिसमें आपको 395 डेज की वैलिडिटी मिलती है, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा की वैलिडिटी। इसी तरह 365 डेज के लिए आपको सिर्फ 3000 खर्च करने पड़ेंगे और 3 GB पर डे डेटा मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डे कॉस्ट निकाल दिया है, ताकि आप इजीली डिसाइड कर पाओ कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो प्लान्स तो भाई कमाल के है, देखकर आपको मन करेगा कि BSNL के सिम को निकालकर उस पर चुम्मा दे दूं, इस तरह के इन्होंने प्लान निकाले हैं। लेकिन भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जो है अपना चुम्मा वापस लेने चले जाओगे, क्योंकि भाई BSNL के जो नेटवर्क है ना, वो काफी बढ़िया है, पूरे इंडिया में आपको मिलता है। लेकिन वो 2G नेटवर्क है या फिर 3G नेटवर्क है? क्या आज की डेट में आप 2G या फिर 3G पर इंटरनेट यूज करना चाहोगे? नहीं ना। तो आपको जो है एक फैक्ट की बात बता दूं, पूरी दुनिया में 5G चल रहा है, इंडिया में 5G चल रहा है, एयरटेल जियो वगैरह ये सब 5G कर रहा है, फ्री में 5G डेटा दे रहा है, फ्री में आपको अनलिमिटेड स्पीड दे रहा है, अनलिमिटेड डेटा दे रहा है, 100 Mbps 200 Mbps 1 Gbps तक की स्पीड दे रहा है। लेकिन BSNL का 5G है ही नहीं। आप सोचेंगे चलो 5G आने वाला हो, नहीं, BSNL का 4G भी नहीं है। 4G पर काम कर रहा है BSNL और धीरे धीरे रोल आउट कर रहा है, बहुत साल से रोल आउट कर रहा है, बहुत स्लो स्पीड से। कुछ एरिया में BSNL का 4G आने लगा है, मतलब जैसे आज की डेट में जो है ना 5G नेटवर्क आ रहा है ना, इस तरह से BSNL 4G रोल आउट कर रहा है, मतलब दुनिया जो है 5G रोल आउट कर रही है, BSNL अभी 4G रोल आउट कर रहा है। और बाकी जो ब्रांड्स है, बाकी जो कंपनीज है, वो 5G को काफ़ी हाई स्पीड में, मतलब काफ़ी स्पीडली सब एरिया में 5G लगभग आने लगा है, और कुछ महीने में पूरा इंडिया कवर हो जाएगा 5G के साथ। लेकिन BSNL इतने सालों से 4G तक कवर नहीं कर पाया, कुछ ही एरिया में 4G आता है, और जहां पर 4G आता है वहां पर प्रॉपर स्पीड नहीं आती है। तो मेरा सवाल यह है, क्या आप ऐसे स्पीड के साथ इतने सस्ते प्लान्स को रिचार्ज कराना चाहोगे? तो ये चीज मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूँ, कोई हेट नहीं है मेरी BSNL के साथ, मैंने सिर्फ एक चीज बता दी है, कहीं आपका नुकसान ना हो, कहीं यार आप पोर्ट करा लो और इतना रिचार्ज भी करा लो और फिर आपका बेवकूफ बन जाए, फिर वापस आप जियो या एयरटेल में अपोर्ट करा रहे हो। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई स्कैम हो, किसी फालतू यूट्यूबर की वीडियो देखकर आप इन्फ्लुएंस हो जाओ कि भाई इतने सस्ते प्लान से मिल रहे हैं। जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, वो मैंने आपको बता दी। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे आप चेक कर सकते हो कि हमारी एरिया में कैसे नेटवर्क आ रहा है, और तो क्या आपको BSNL में पोर्ट कराना चाहिए या फिर नहीं, ये डिसीजन कैसे बना सकते हो, इसकी वीडियो आपको हमारी दूसरी मिल जाएगी, वो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, वहां पर आप क्लिक करना, देख लेना, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर वो वीडियो देख लेना। बाकी जो प्लान्स ना, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिटेल में जाकर आप हमारी वेबसाइट पर ये प्लान्स चेक कर सकते हो। BSNL की वेबसाइट पर जाकर देखना एक बार, कितने कंफ्यूज हो जाओगे भाई, दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाएगी, दही बन जाएगी। तो आप जो दूसरी वीडियो में बता रहा हूँ वो जाकर देख लेना, आप डिसाइड करो क्या आपको BSNL में पोर्ट करना है या फिर नहीं। इस तरह की और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली है, जियो एयरटेल BSNL की कंपैरिजन वीडियोस भी आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो इंटरनेट तक BSNL